बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोटापा ख़त्म करने और लटका हुआ पेट कम करने का घरेलू तैयार करदा कहवा। नाज़रीन, ये कहवा डॉक्टर कुरुम का बताया हुआ है। इस कहवे के ज़रिए आप अपना मोटापा भी ख़त्म कर सकते हैं, लटका हुआ पेट भी ठीक कर सकते हैं। नाज़रीन, वज़न कम करना अब मुश्किल नहीं, बल्कि ये सब आपके हाथ में है। अगर आप खुद पर ज़रा सी तवज्जो दें तो बआसानी अपनी शख्सियत को जाज़िब, पुरकशिश और मुतवाज़न रख सकते हैं। नाज़रीन, कुछ आदत ऐसी होती हैं जो मोटापे और मुतअद्दिद बीमारियों का मूजिब बनती हैं। रात को देर से खाना खाना और फिर सो जाना, जिसकी वजह से आपको तेज़ाबियत भी हो सकती है। खाना हजम ना होने की शिकायत का सामना भी करना पड़ जाता है। सोने से कबल अगर आपका पेट भरा हुआ हो तो निज़ाम अपना काम सरंजाम नहीं दे पाता, जिसके बायस पेट बढ़ जाता है और पेट में चर्बी भी पैदा होती चली जाती है। चर्बी बढ़ने के साथ साथ फैलती चली जाती है, कमर मोटी हो जाती है, पेट आगे को निकल आता है। नाज़रीन, ये सब मसाइल ख़त्म करने के लिए एक मुफीद सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये कहवा, आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, जिचकी के बाद पेट लटक जाता है, आप उस सूरत में भी ये कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। नाज़रीन, सादा से सादा ग़िज़ाएँ खाएँ, स्पाइसी चीज़ें ना खाएँ, तली हुई अशिया ना खाएँ और कोल्ड ड्रिंक्स का भी कम से कम इस्तेमाल करें। नाज़रीन, मोटापे को कम करना और अपने जिस्म को सेडोल बनाना आपकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आजकल हर दूसरा बंदा मोटापे से परेशान है। इस मोटापे की वजह से लोगों को बहुत सी बीमारियाँ भी लाहक हो रही हैं और ज़िंदगी दोपहर होती जा रही है। नाज़रीन, लटका हुआ पेट ठीक करना और मोटापे से निजात पाने के लिए, जिस्म की चर्बी पिघलाने के लिए इस कहवे का आपने 21 दिन मुसलसल इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, हर खाने के बाद आपने ये इस्तेमाल कर लेना है। नाज़रीन, अदरक के 3 से 4 टुकड़े लें, एक एक इंच का एक टुकड़ा हो, इनको 1 कप पानी में उबाल लें। पानी इतना उबालें कि आधा कप पानी रह जाए, फिर इसमें आधे लीमू का रस मिक्स कर लें। नाज़रीन, अगर आप मीठा इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो शहद आधा चम्मच मिक्स कर लें उस कहवे में। अदरक के कहवे में आधा लीमू का रस मिक्स कर लें और अगर मीठा आप इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो आधा चम्मच शहद मिक्स कर लें और हर खाने के बाद आप ये आधा कप पी लें। इंशाल्लाह आपका खाना भी हज़म हो जाएगा, आपके मैदे की तेज़ाबियत भी ख़त्म हो जाएगी, सीने में जलन जो होती है खुराक के हज़म ना होने की वजह से वो भी ठीक हो जाएगी और आपका वज़न भी कम हो जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, 21 दिन आपने मुसलसल इस्तेमाल करना है, हर खाने के बाद इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।